हेलो गाइज, अगर आप SSC GD का एग्ज़ाम दिए हैं, आपका रोल नंबर नहीं मिल रहा है, रोल नंबर आप खो चुके हैं, भूल गए हैं, या फिर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हम एक एक स्टेप करके आप लोग को बताएंगे कि आप बिना रोल नंबर के अपने रिजल्ट कैसे देखें और रोल नंबर को कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। रोल नंबर आपको कैसे मिल पाएगा और जब अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसको अनलॉक कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सारी प्रोसेस हम इसमें बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली हम आपको चलते हैं आपसे गूगल पे, ठीक है ना। गूगल पे देखें, यहाँ पे गूगल पे आने के बाद में यहाँ पे सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आइकन दिखाई देगा। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट का ओरिजिनल वेबसाइट पे, ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाना है। और यहाँ पे देखिए, जब SSC GD का रिजल्ट निकला था, मार्क्स निकला था, तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SSC कॉन्स्टेबल रिजल्ट विथ मार्क्स, ठीक है ना। आप लोग को सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, ये वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड मार्क्स पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि क्लिक हेयर। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लॉगिन करने के लिए आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आ रहा है, सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप पे मोड में कर देते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप साइट में इसको कर देते हैं। अब देखिए, डेस्कटॉप साइट में करने के बाद में यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देगा, यहाँ पे फीडबैक, ठीक है ना। फीडबैक आपको दिखाई देगा, तो सिंपली फीडबैक पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। फीडबैक पर क्लिक कर देना है। तो हमको फीडबैक में कुछ नहीं भरना है, ठीक है ना। हमको फीडबैक में यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। फीडबैक में हमको तो रोल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम रोल नंबर फाइंड करने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद में अकाउंट को ब्लॉक है तो अनलॉक कैसे किया जाता है वो भी हम बताएंगे। तो सिंपली यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको फीडबैक यहाँ पे भरना है, लेकिन फीडबैक हमको नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो रोल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपली हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि आप किस रीजन से हैं, ठीक है ना। आप अपने एप्लीकेशन में देख लीजिएगा, जो आप आवेदन करते समय आप लोग को एप्लीकेशन पत्र मिला होगा, उसमें लिखा होगा कि आप किस रीजन से हैं, ठीक है ना। तो रीजन हो सकता है आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, रीजन यहाँ पे क्या है, हर रीजन के लिए अलग अलग वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, NR रीजन का है ये, ठीक है ना। यहाँ पे है KKR रीजन का, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे CSR रीजन का है, ठीक है। तो मेरा जो रीजन है, मैं बिहार का हूँ, अरवल जिला का, तो मेरा रीजन है CR। जो भी अरवल जिला के होंगे या फिर बिहार के होंगे आसपास के, अरवल जिला के आसपास, तो उनका भी रीजन क्या होगा, आपका CR होगा रीजन, www.ssc.cr.organization, ठीक है ना। तो ये आपका वेबसाइट हो गया, और CR रीजन का ये वाला ईमेल नंबर हो गया, ये टेलीफोन नंबर हो गया, और ये आपका लोअर, ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है ना। तो सिंपली आपको करना क्या है कि इसका जो ईमेल है ना, ईमेल इसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। आप अपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपका रीजन जो है वो क्या है। देखिए यहाँ पे इतना सारा रीजन दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से रीजन को सेलेक्ट करके और ईमेल को क्या करना है, आपको सिंपली से कॉपी कर लेना है ईमेल एड्रेस को, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, आपको अब अपने जीमेल में जाना है। देखिए यहाँ पे मैंने अपना जीमेल को ओपन कर लिया है, ठीक है। जीमेल पे ओपन करने के बाद में सिंपली से यहाँ पे कंपोज वाले बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंपोज वाले पे क्लिक कर दिए, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे फ्रॉम amritkumar2001@gmail.com, ये मेरा जीमेल है, और हम जहाँ भेजना है, ठीक है ना, CR रीजन में भेजना है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी किए थे तो यहाँ से हम पेस्ट इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, चलिए पेस्ट हो गया। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि रिकवर क्या लिखना है, रिकवर रोल नंबर, ठीक है, रिकवर रोल नंबर लिख के देना है यहाँ पे। इसके बाद में कंपोज ईमेल में सबसे पहले लिखना है कैंडिडेट नेम, ठीक है ना। आप अपने नाम लिख लीजिएगा, पहले क्या लिखा है आपका कैंडिडेट नेम, जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा रीजन, REGION रीजन लिखिएगा। इसके बाद में लिखिएगा DOB, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में आपको इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। आप अपना ईमेल आईडी लिखिए, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिए थे, ठीक है। ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी हो गया। इसके बाद आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देना है आपको, क्या टाइप हो गया, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आपको पहले यहाँ पे लिख देना है, कैंडिडेट नेम, रीजन लिखना है, DOB लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में आपको लिखना था रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इस आप लिख लेने के बाद में आपको लास्ट में देखिए क्या करना होगा, आपके लास्ट में क्या करना होगा कि प्लीज सर रिकवर
माय रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है प्लीज सर, ठीक है इस प्रकार से लिख देना है। आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कि आपको रिकवर रोल नंबर को आपको रिकवर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है आई फॉरगोटेन माय रोल नंबर, सो प्लीज हेल्प मी सर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है सेंड वाला, सेंड कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे टिप के सेंड कर देना, ठीक है। इसके बाद में उधर से आपको कुछ रिप्लाई आएगा, ठीक है ना। आपका रोल नंबर इस तरह से मिल जाएगा, एसएससी वालों के पास में ये वाला मेल जाएगा, आप जो भी रीजन से हैं उनके पास में जाएगा और आपका मैसेज देखेंगे, वहाँ से आपको रोल नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका रोल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनलॉक कैसे करें, ठीक है ना। अनलॉक हो गया तो ब्लॉक हो गया तो अनलॉक कैसे, देखिए अगर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया तो आपको अनलॉक कैसे करना है, तो सिंपली कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से बैक हो जाइए, ठीक है ना। बैक जाने के बाद में यहाँ पे देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन यूजर है, यूजर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, लॉगिन यूजर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो जो भी बंदा अपने अकाउंट में बहुत बार पासवर्ड डाल चुका है उसका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो 24 आवर्स, जब आप जब मान लीजिए अभी आप ट्राई कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना, अभी बज रहा है 2:35, तो अगर इस टाइम आप ट्राई कर रहे हैं तो 24 घंटे के बाद में ये वाला आप नियम लागू कीजिएगा फॉरगोटेन पासवर्ड करके, ठीक है ना। फॉरगोटेन पासवर्ड कीजिएगा तो आपका जो फॉरगेट होगा पासवर्ड जो है वो फॉरगोट हो जाए। देखिए यहाँ पे हम फॉरगोटेन पासवर्ड पे करेंगे, यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख लेना है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आपके पास में मोबाइल नंबर भी है, इसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर देना, फिर आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आएगा तो उस माध्यम से आप लोग पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। देखिए सिंपली जो है ना आप लोग का जो ब्लॉक होने का एक ही कारण है कि आप पासवर्ड को यहाँ पे बहुत बार डाल चुके हैं, ठीक है ना। पासवर्ड को बहुत बार डाल चुके हैं तो एसएससी वालों को लगता है कि ये चीज़ जो है वो सिक्योर नहीं, तो आपके चलते, ठीक है ना, आपको सिक्योर रखने के चलते वो आपका पासवर्ड थी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो आप लोग 24 आवर्स जब भी अभी आप यूज कर रहे हैं, अभी आप गलत पासवर्ड डाले हैं, तो अभी से 24 आवर्स के बाद में फॉरगोट पासवर्ड कर दीजिएगा, आपका जो है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।